इट्स अ ब्यूटी फैमिली हेयर सक्षम और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये नहीं बोलूँगा कि क्या टॉपिक है, आप खुद देखना और वीडियो देखो। आज हमारे साथ बहुत एक अच्छे प्लेयर जुड़ चुके हैं, तो हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे पूछेंगे थे कि इन्होंने अपने लाइफ में करियर में कितनी सेंचुरीज वगैरह मारी और कैसे मतलब इतना ग्रोथ करी है। तो ये हमारा माइक, तो अवे जी बताइए, ये जनता आपसे पूछना चाह रही है कि आप इतना मतलब इतना आपको सुधार कैसे, अबे जुबे इतना सुधार कैसे, पीछे इतना सुधार कैसे आपको। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 15 साल से। मैंने 15 साल का है तू मैंने 50 सेंचुरी मारी अभी तक। अब यार इनकी लड़ाई थी। तो हम थे, मैंने 50 सेंचुरी मार चुकी है। सब हम दूसरे प्लेयर से मिलने जा रहे हैं, दूसरे प्लेयर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और जो नेक्स्ट वो है उनका नाम है बाबा जी। और बाबा जी का हम आपको हेयर स्टाइल भी दिखाएं, इन्होंने चेंज कराए, इन्होंने कटप्पा वाला लुक बनाया। तो ये बाबा जी हमारे, बाबा जी तो कुछ बताइए अपने बारे में, या मतलब इनका करियर बहुत अच्छा रहा है अपनी टीम का। छोड़ो कि अपना लुक दिखाएंगे, बाबा जी अपना लुक दिखाओ जरा। आप कटप्पा वाले हैं, स्मार्ट से क्यूट से, यू नो पीछे हमारे जनता है, कहाँ है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। सो ऑलराइट गाइस, अब हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो चले देखते हैं। और एक हमने प्लेन, इसमें हम पीनट बटर लगा के खा सकते हैं। ये मेरी माँ ने बनाई आज चॉकलेट, चलो निकालो। चोर ली, देख चोर भी ली। सो गाइस ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है, चल मैं आपको दिखाता हूँ। आज ब्रदर्स डे है, तो एक वीडियो बनती है अपने भाइयों के लिए और मेरे सगे भाई के लिए भी और आपर के लिए भी। सो वीडियो मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा, तो देखना। तो अब मिलते हैं, वीडियो बनाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आके बात करता हूँ। सो गाइज वीडियो बन चुकी है और मैं लास्ट में पोस्ट कर दूँगा वीडियो, तो एक बार आप देख लेना और अगर अच्छी लगे तो मुझे टिकटॉक में भी फॉलो कर लेना। गाइज मेरा जो ये इंटेंशन ये बनाने का है ब्लॉग वगैरह, ये है कि मैं कुछ थोड़ा सीख सकूँ, मैं थोड़ा सोशल मीडिया में घुसना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ कि कैसी लाइफ है। और अभी धीरे धीरे बना रहा हूँ, देखता हूँ कि कैसा है और सपोर्ट करना। अभी टाइम हो रहा है 11:06, तो अब देखते हैं क्या आगे इंटरेस्टिंग होगा और मैं बताऊंगा मैं इतने बजे क्या करूंगा। तो वीडियो देखते रहना और मिलते हैं। जैसे कि अभी 4:40 हो रहे हैं और लंच मैंने आज लेट करा क्योंकि मेरी आँख लग गई थी, थोड़ा सो गया था। तो अब हम 5:30 या 6 o'clock हम जिम करेंगे, अपना वर्कआउट करेंगे, तो फिर आगे बात करते हैं, मिलते हैं। जैसे कि कोरोना चल रहा है तो मेरे दोस्त ने मुझे एक चीज़ गिफ्ट करी, हैंड सैनिटाइज़र। थैंक यू चेतन फॉर दिस। सो ऑल राइट गाइज, जैसे कि हम अभी आए थे और अभी 5:40 हो रहे हैं और हमने सोचा था कि अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, और लेकिन जैसे हम ऊपर आए तो बहुत हॉट एयर चल रही थी, तो अभी करना बेकार है। तो अभी हम थोड़ा लेट करेंगे, 6 o'clock हम स्टार्ट कर देंगे। और मेरे साथ में काना भाई। हाय गाइज, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो गाइज अभी मिलते हैं आपसे, बात करते हैं थोड़ा।
मुझे एक बात समझ नहीं आती है, यूट्यूबर्स लोग इतना मतलब व्लॉग इतना लंबा कैसे बना लेते हैं? मेरे पास तो कुछ कंटेंट ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, देखते हैं। और आज हमारा शोल्डर डे है, तो आज हम एक्सरसाइज शोल्डर की करेंगे, तो आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज करके। तो अभी 5 मिनट में हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं। मतलब 2 दिन से हमारा ऑफ था और हम वर्कआउट कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तो पहले बारिश का मौसम था, उसके बाद थोड़ा एक दिन हमने अपना चीट डे बना लिया था। तो अब हम आज कंटिन्यू करेंगे अपने शोल्डर के साथ, शोल्डर का वर्कआउट रह गया था तो हम वही पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल हमारा ट्राइसेप्स होगा और परसों लेग्स। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि 6 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करने, तो बने रहना हमारे साथ, अब हम दिखाएंगे आपको वर्कआउट करके। ज़्यादा इक्विपमेंट्स तो है नहीं, वही जो पहली वीडियो में आपको दिखाई थी उसी से स्टार्ट करेंगे। अरे एक और मेंबर जुड़ चुका है हमारे जिम में, हेलो, ये है, इसका आज फर्स्ट डे है, तो आज इसकी मिक्स है ना, चलो। जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ वाली हो गई है, अब बची है हमारी एप्स की। अब एप्स की हम 4 एक्सरसाइज करेंगे सारी, फिर तो उसके बाद मिलते हैं वीडियो में। टाइम है डाइट लेने का, तो डाइट लेने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि डाइट भी खा ली है, अब हम थोड़ा टाइम पास करने के लिए टेरेस पे आए हैं और भाई और के साथ, भाई और भी बैठे हैं, सब पबजी खेल रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 8:45 और टाइम आ गया है व्लॉग क्लोज करने का, तो उससे पहले मैं लास्ट अपना डिनर की रेसिपी दिखाता हूँ आपको कि मैं डिनर में क्या बना रहा हूँ। भाई की इम्पोर्टेंस ना तब पता चलती है जब तुम्हारी फटी हो और तुम बोलो कि रुक अपने भाई को बुलाता हूँ। मेरा भाई तू मेरी जान है। ऑलराइट गाइस, व्लॉग हो चुका है ख़त्म और आपको पता है काम है आपका। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, मैंने एक वीडियो डाल दी टिकटॉक की, अगर पसंद आई हो तो मुझे टिकटॉक में फॉलो करें, और यूज़र आईडी है @SCNT1206। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग।